वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। मैं सर पूर्णिमा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की तरफ से रिलीज हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम की तरफ से 10 जून 2021 को नोटिफिकेशन नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिलीज किया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ पर यह मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से 23 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए थे, जिसमें फीमेल कैंडिडेट को अप्लाई करना था और ऑनलाइन अप्लाई करना था यहाँ पर MP ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 390 रिलीज किए गए थे और जिसमें सीधी भर्ती के लिए 309 पोस्ट थे और संविदा के लिए 81 पोस्ट रिलीज किए गए थे। तो इसी वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। स्क्रूटनिंग के बेस पर जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। मेरिट लिस्ट यहाँ पर कैटेगरी वाइज तैयार किया गया है। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन कैंडिडेट का होना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम टेबल रिलीज किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका लिस्ट रिलीज किया गया है। तो आपको किस तरह से देखना है, तो यहाँ पर अनारक्षित यानी अनारक्षित में बिना वर्ग के लिए यहाँ पर जो कैटेगरी जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है उसमें आपको इस तरह से चेक करना है। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपका है, नेम है, उसके बाद फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वाइज आपका दिया हुआ है। तो आपको सीरियल नंबर अपना चेक करना है। सीरियल नंबर आप किस सीरियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर चेक करिए, नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है अनारक्षित और बिना वर्ग में। टोटल सीरियल नंबर वाइज अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं इसमें 67 कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो आपको सिंपली चेक करना है सीरियल नंबर आपका क्या है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करना है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर देखकर फिर आपको यहाँ पर चेक करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल नंबर यहाँ 1 से 35 तक। तो अगर आप 1 से 35 के अंतर्गत आते हैं सीरियल नंबर और अनारक्षित बिना वर्ग में आते हैं, तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है वो 14 जून 2021 है। 14 जून 2021 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करना रहेगा। तो आपको यहाँ पर वर्ग चेक करना है, सबसे पहले किस वर्ग में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं आप। उसके बाद आपको अपना वहाँ पर क्रमांक देखना है, यानी कि आपको सीरियल नंबर चेक करना है किस सीरियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट उस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इस तरह से इस अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर 1 से 35 तक अगर अनारक्षित बिना वर्ग कैटेगरी में आप आते हैं, तो 14 जून 2021 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसके अलावा अनारक्षित बिना वर्ग में 36 से 67 तक आते हैं आप, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जून 2021 को होने वाला है। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति बिना वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में, तो 1 से 40 तक अगर आपका सीरियल नंबर में आता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 जून 2021 को होने वाला है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में अगर आप आते हैं बिना वर्ग के लिए, तो यहाँ पर 1 से 53 सीरियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो आपका 17 जून 2021 को होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं आप और 1 से 35 तक आते हैं, तो आपका यहाँ पर 18 जून 2021 रहेगा। अगर आप 36 के बाद 37 तक आते हैं सीरियल नंबर में, तो आपका यहाँ पर 19 जून 2021 को होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको अपना सीरियल नंबर ध्यान से चेक करते जाना है और अपना वर्ग यहाँ पर देखना है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें, एवं भूतपूर्व अगर आप सैनिक हैं, तो यहाँ पर एक सर्विसमैन आते हैं और EWS कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पर संलग्न सूची के क्रमांक 1 से 27 एवं 1 से 7 तक, इन लोगों का 21 जून 2021 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा अनारक्षित एवं अनुसूचित जाति में आते हैं, संविदा के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर 1 से 19 तक और 1 से 11 तक, यहाँ पर अगर आपका सीरियल नंबर है, तो आप 22 जून यानी कि 22 जून 2021 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं आप और संविदा के लिए आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर 1 से 14 एवं 1 से 19 तक, यहाँ पर 23 जून 2021 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं और भूतपूर्व सैनिक संविदा में अगर आपने अप्लाई किया है,
इसमें आते हैं तो आपका जो सीरियल नंबर 1 से 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड यहाँ तक आपका यहाँ 24 जून 2021 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना वर्ग चेक करना है, किस वर्ग में आपने आप आते हैं और किसके लिए आपने अप्लाई किया था, संविदा के लिए या फिर परमानेंट के लिए। उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पर सीरियल नंबर आपका क्या है। आपको अभी हम लिस्ट दिखाने वाले हैं, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सीरियल नंबर जो भी रहेगा, जिस भी सीरियल नंबर के अंतर्गत आप आएंगे, आपको सिंपली यहाँ पर डेट देखना है, किस डेट पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आगे हम आपको दिखाने वाले हैं लिस्ट अनारक्षित बिना वर्ग के लिए, जैसे हमने दिखाया है यहाँ पर टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 67 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें आपको सिंपली यहाँ से आपको सीरियल नंबर चेक करना है, इधर आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है। इसके बाद अनुसूचित जाति बिना वर्ग के लिए भी यहाँ पर लिस्ट निकाला गया है, तो आपको सिंपली इधर से सीरियल नंबर चेक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका रहेगा, यहाँ पर नेम है, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसे हमने बताया, सीरियल नंबर वाइज आपको चेक करना है। इसमें अनुसूचित जाति बिना वर्ग के लिए 40 सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति बिना वर्ग के लिए बात की जाए, तो यहाँ पर सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर 53 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग में बिना वर्ग की बात की जाए, तो यहाँ पर टोटल जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, यहाँ पर अपना नाम आपको चेक करना है बाद में, टोटल 72 सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का भी लिस्ट है, जिसमें बिना वर्ग के लिए यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट 27 हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो उनके लिए जो लिस्ट निकाला गया है 7 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद अनारक्षित संविदा बिना वर्ग के लिए मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अगर हमने अपने अप्लाई किया था, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें 19 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, मेरिट लिस्ट निकाला गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति में आते हैं आप और संविदा के लिए अप्लाई किया था बिना वर्ग में आते हैं, तो यहाँ पर आपका 11 लोगों को सेलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अनुसूचित जनजाति संविदा और बिना वर्ग के कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर 14 कैंडिडेट का लिस्ट रिलीज किया गया है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए संविदा के लिए, तो यहाँ पर टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट 19 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर संविदा बिना वर्ग के लिए यहाँ पर 2 सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, 2 लिस्ट निकाला गया है 2 लोगों का। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक संविदा के लिए 2। तो यहाँ पर जो भी लिस्ट निकाला गया है, इसमें सिंपली आपको सीरियल नंबर अपना चेक करना है। सीरियल नंबर वाइज यहाँ पर जैसे हमने बताया, सीरियल नंबर वाइज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है, तो आपको सिंपली अपना सीरियल नंबर चेक करना है। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अपना देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस सीरियल नंबर में आते हैं, आपको सिंपली उस डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सिंपली अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर अटेंड करना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस का। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपने अप्लाई किया होगा तो आप जिस भी यहाँ पर वेबसाइट से अप्लाई किया था आपने, उसको आपको रेगुलरली चेक करना है, वहाँ से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको PDF लिंक मिल जाएगा। अदर कोर के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।